I am going to discuss about the D block element and the second transition series. It involves filling of 4D orbital. It starts from yttrium atomic number 39 to cadmium atomic number 48. And first, second transition series is yttrium atomic number 39 and electronic configuration argon. Krypton 4d1 and 5s2. And second, atomic number 40 and element zirconium and electronic configuration krypton 4d2 and 5s2. And nipolium atomic number 41 our electronic configuration krypton 4d4 and 5s1. And nibolium ke baad molybdenum atomic number 42 and electronic configuration krypton 4d5 and 5s1. यहाँ ये half filled orbital है. D orbital में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एंड s orbital में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है. तो ये half filled है, इसकी स्टेबिलिटी मोर देन होगी. यहाँ टेक्नीटियम क्रिप्टन एटॉमिक नंबर है 43 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d5 एंड 5s2. डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन एंड एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन. एंड रुदेनियम यहाँ क्रिप्टन एटॉमिक नंबर 44 जिसका एटॉमिक नंबर 44 है एंड ये है 4d7 एंड 5s1. एंड रुहिडियम क्रिप्टन एटॉमिक नंबर 45 एंड 4d8 5s1. d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन और s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन. फिर है पैलेडियम एटॉमिक नंबर 46 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 एंड 5s0. d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन और s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है. एजी सिल्वर एटॉमिक नंबर 47 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 एंड 5s1. एंड कैडमियम एटॉमिक नंबर 48 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टन 4d10 5s2. ये फुल फिल्ड ऑर्बिटल है. फिर आते हैं 5d सीरीज is third transition series. It involves filling of 5d orbital. It is filling of 5d orbital. 4d series में 4d orbital. 4d orbital में filling हो रही थी. अब होगा 5d series है जो third transition series है. ठीक, first element है इस series का lanthanum जो atomic number 57 से start होता है. ठीक, lanthanum एटॉमिक नंबर 57 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जीनॉन 5d1 एंड 6s2. 5d सीरीज है, इसे 5d ऑर्बिटल में फिलिंग होगी.
एंड 6s में दो इलेक्ट्रॉन है। फिर जीनॉन यहाँ है हाफनियम एटॉमिक नंबर 72 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जीनॉन 4f14 5d2 एंड 6s2 एंड टेंटेलियम इसका एटॉमिक नंबर है 73। ये है जीनॉन 4f14 5d3 5d में 3 इलेक्ट्रॉन है एंड 6s2 एंड टंगस्टन यहाँ पे जीनॉन एटॉमिक नंबर 74 एंड 4f में 14 इलेक्ट्रॉन 5d में 4 इलेक्ट्रॉन एंड 6s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे आता है रिहीनियम जीनॉन एटॉमिक नंबर जीनॉन 75 एटॉमिक नंबर है एंड 4f14 5d में 5 इलेक्ट्रॉन एंड 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर जाके आता है ऑस्मियम ऑस्मियम में एटॉमिक नंबर 76 है ये जीनॉन 4f14 5d में 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे एंड 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एंड फिर जाके आता है इरिडियम इरिडियम में एटॉमिक नंबर 77 है जीनॉन 4f में 14 5d में 7 इलेक्ट्रॉन एंड 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एंड आ जाता है पैलेटियम 78 एटॉमिक नंबर है इसका जीनॉन तक 4f में 14 इलेक्ट्रॉन 5d में 9 इलेक्ट्रॉन है एंड 6s में 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर आ जाता है गोल्ड Au जिसका सिंबल है गोल्ड आ जाता है एंड इसका एटॉमिक नंबर 79 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4f14 5d में 10 इलेक्ट्रॉन एंड 6s में 1 इलेक्ट्रॉन एंड Hg मरकरी 80 एटॉमिक नंबर जीनॉन 4f14 5d में 10 इलेक्ट्रॉन एंड 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। एंड अब आ जा रहा है एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन 6s में 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये 6d सीरीज है 7s में 2। फिर आ जाता है आपका रदर एक्स 104 एटॉमिक नंबर इसको Ku लिखते हैं एटॉमिक नंबर में क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन 6d में 2 इलेक्ट्रॉन 7s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाता है ड्यूबेरियम ड्यूबेरियम 105 एटॉमिक नंबर एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन 6d में 3 एंड 7s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाता है सीबोर्जियम इसका एटॉमिक नंबर 106 है एंड 6d4 7s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाता है बोहरियम बोहरियम का एटॉमिक नंबर 107 है ये आ जाता है रेडॉन 6d में 5 इलेक्ट्रॉन 7s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाता है हेसियम हेसियम में रेडॉन एटॉमिक नंबर है आपका 108 6d में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे 7s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर आ जाता है मिटीरियम तो इसका एटॉमिक नंबर है 109 रेडॉन एंड 6d में 7 इलेक्ट्रॉन एंड 7s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ये सब अननोन मेटल है जिसका 110 एटॉमिक नंबर है तो रेडॉन 6d में
8 इलेक्ट्रॉन, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर रेडॉन 111 के लिए 6d में 10 इलेक्ट्रॉन, 7s में 1 इलेक्ट्रॉन। एंड 112 एटॉमिक नंबर UUP एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रेडॉन 6d, 10 एंड 7s 2। थैंक यू।